अस्सलाम वालेकुम। सही वक्त के ऊपर सही इन्वेस्टमेंट करने से ही बनती है एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आप पाकिस्तान के अंदर किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उससे पहले उस प्रोजेक्ट के हवाले से जितनी भी हौनों है वो आपके पास होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम कुछ रियल एस्टेट स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे, सो वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर हम रियल एस्टेट के अंदर करंट स्ट्रेटजीज की बात करें तो इसमें तीन तरह की इन्वेस्टमेंट आती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो लोग करते हैं जिनका एक अच्छा हैवी बजट होता है। वो लोग क्या करते हैं कि एक जगह के ऊपर अपना मकान, दुकान या कोई भी कमर्शियल प्लॉट परचेज करते हैं, फिर उसको तामीर करते हैं और बहुत कम अर्सा के अंदर उसको बेच देते हैं। अब ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए कि वो जिस जगह के ऊपर अपनी कोई भी प्रॉपर्टी बाय करते हैं उसकी मार्केट के अंदर एक अच्छी वैल्यू होनी चाहिए और दिन आए दिन साथ उसकी वैल्यू को बढ़ते रहना चाहिए ताकि वो प्रॉपर्टी जो है वो मार्केट के अंदर डिमांडिंग हो और जल्दी सेल हो जाए। सेकेंड नंबर पे आती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये कि ऐसी इन्वेस्टमेंट है या ये वो लोग करते हैं जिनका बजट कम होता है, वो क्या करते हैं, वो महाना एक साथ और आसान पेमेंट प्लान के साथ कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। वो 2 साल का भी हो सकता है, वो 4 साल का भी हो सकता है, फिर वो उस पेमेंट प्लान को कंटिन्यू करते हैं और देन उसको बेच देते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए आपको आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस जगह पर वो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, प्लॉट है, घर है या दुकान है, वट एवर, उसके लिए आपका डिवेलपर का हिस्ट्री बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। क्या उसने अपने बाकी तमाम प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं जो ये भी करेगा, और उसके अलावा प्रोजेक्ट का लीगल स्टेटस क्या है, और उसके बाद आप जिस जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी बाकी शहर के अंदर एक्सेस कितनी ईजी है। थर्ड नंबर पर आती है कमर्शियल इन्वेस्टमेंट। ये वो लोग करते हैं जिनका बजट अच्छा खासा हैवी होता है या उनको एक अच्छी महाना इनकम आ रही होती है और वो अपनी इनकम को कहीं ना कहीं पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या अपने पैसे को डीवैल्यू होने से बचाना चाह रहे हैं। अब ऐसे लोगों को लोग क्या करते हैं, वो अपने लिए कोई दुकान, फ्लैट या अपार्टमेंट टाइप परचेज करते हैं, फिर उसको रेंट आउट कर देते हैं ताकि उनको एक अच्छी खासी मंथली इनकम जनरेट होती रहे। अब ऐसी इन्वेस्टमेंट के लिए करना क्या है, आप जिस एरिया के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि वो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है तो आपने ये लाजमी देखना है कि उस एरिया की मार्केट में ग्रोथ क्या है, वहाँ पे कितनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऑलरेडी कर हो रही हैं और आने वाले वक्तों में वहाँ पे क्या कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो तमाम तर स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होगी जिनकी वजह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव एंड सिक्योर बना सकते हैं। बाकी मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए या सूटेबल ऑप्शन के लिए नंबर ऊपर बायो में भी है, नीचे स्क्रीन पे भी। दिस इज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ ग्लोबल स्टेट एंड बिल्डर्स। रब्ता करना ना भूलिएगा। थैंक यू। कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स के सरमाए का तहफ्फुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। ग्लोब स्टेट एंड बिल्डर्स।